गुड मॉर्निंग जय हिंद हिंद्रत्यादि शर्मा क्लासेस के ऑनलाइन परिवार में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं सुबह के बज रहे हैं आठ और हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स की क्लास तो सभी को राम राम जय श्री महाकाल जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए साथियों बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है बहुत ही अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे और एक इतना बढ़िया डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं जो हमारे लिए परीक्षा के लिए बड़ा उपयोगी होने वाला है है तो आप लोगों से एक ही अनुरोध ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें मित्रों बहुत मजेदार बहुत दुआदार, बहुत शानदार सेशन होने वाला है चलिए इलेस भाई रूपाली जी जया जी मंजू जी देशराज भाई हमारे आयुष भाई चलिए बहुत अच्छे राम अवतार जी सुरेंद्र भाई हमारे रंजन जी अनुष्का जी आकांक्षा जी क्या बात है बहुत बढ़िया साथियों जल्दी से जुड़ जाइए मित्रों बहुत मजा आएगा आपको आज का सेशन हम लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं तो चलिए साथियों हम हमारे सेशन को शुरू करते हैं और उससे पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे दूं अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग तो और अगर आप टेस्ट सीरीज की तलाश में है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है सत्याधि शर्मा क्लासेस बहुत बेहतरीन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लाया है इस टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हैं और हमारे क्लास की शुरुआत एक अच्छे विचार के साथ करेंगे मित्रों तो देखिए आज का हमारा विचार है कि कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगी मित्रों आज आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगी जब आपका आने वाला कल सुधरेगा इसी के साथ आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और आंसर करने की कोशिश करना है मित्रों प्रश्न क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बैडमिंटन खेल से संबंधित उस खिलाड़ी का नाम बताएं जिन्होंने अभी सन्यास लेने की घोषणा की है तो बैडमिंटन से जुड़े हुए खिलाड़ी कौन है जिन्होंने अभी सन्यास लेने की हाल ही में घोषणा की है तो देखिए भैया बी साई प्रणीत प्रकाश पादुकोण नंदू नारेक या फिर श्रीकांत किदाम्बी अभी अभी किसने घोषणा की है यह आप लोग को बताना है जल्दी बताओ चलिए आयुष भाई राहुल सिंह जी बहुत अच्छे चलिए भैया क्या बात है बहुत बढ़िया तो देखिए इसका सही उत्तर क्या है जल्दी से आंसर करें जरा बी साई प्रणीत प्रकाश पादुको नंदू नरे क्या श्रीकांत किदाम्बी चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत बढ़िया जल्दी जल्दी आंसर करें चलिए बहुत बढ़िया तो देखिए साथियों अगर आप देखे तो ये खिलाड़ी को आप जरा देखिए ध्यान से ये साथियों ये खिलाड़ी है बी साई प्रणीत इनका नाम क्या है ये बी साई प्रणीत है और देखिए इनके इमेज से क्लियर हो रहा है कि ये किसके खिलाड़ी हैं बैडमिंटन खेल के खिलाड़ी हैं ये और बचपन में आप लोगों ने बहुत खेला होगा ये बैडमिंटन साथियों तो ये बी साई प्रणीत जो है इन्होंने अभी सन्यास लेने की घोषणा की है और ये बैडमिंटन खेल से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं तो देखिए पहला प्रश्न तो हमसे ये पूछ सकता है वो कि बी साई प्रणीत का संबंध किस खेल से है तो बैडमिंटन खेलते हैं और इन्होंने ही अभी संन्यास लेने की घोषणा की है मित्रों इनका चौबीस साल का करियर है और इसके बाद इन्होंने दो में जो है साथियों अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया

अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था जो भी भारत का खिलाड़ी खेलों में सर्वोच्च और अच्छा प्रदर्शन करता है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो भारत सरकार के द्वारा उसे अर्जुन अवार्ड दिया जाता है तो इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी जो है सम्मानित किया गया था इसके अलावा देखिए साथियों इसके अलावा इनके बारे में और देखें तो इन्होंने चौबीस साल के करियर के बाद सन्यास की घोषणा की है तो 24 साल का इनका करियर है और उसके बाद इन्होंने किसकी घोषणा की है सन्यास लेने की घोषणा की है ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा साथियों क्या होगा ऑप्शन नंबर ए चलिए बहुत बढ़िया निखिल भाई इलेश भाई आयुष भाई रूपाली जी बहुत बढ़िया साथियों क्या बात है आनंद आ गया आनंद आ गया चलिए रंजन जी आचल जी आकांक्षा जी शारदा जी चलिए साथियों किदाम्बी श्रीकांत है चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न क्रमांक दो क्या कह रहा है वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के बाहर किस देश में पहले जन औषधि केंद्र को खोलने का ऐलान किया देखिए साथियों ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं कि देखिए जन औषधि केंद्र आप लोगों ने देखा ही होगा देखिए मैं आपको बता दू ये जन औषधि केंद्र आपने देखा होगा यहां पर क्या होता है लोगों को सस्ती कीमत पर दवाई उपलब्ध होती है तो जो भी हमारे देश में क्या होता है कि हमारे देश में बहुत बड़ा गरीब वर्ग ऐसा है जो कि अपने इलाज के लिए खर्च वहन नहीं कर सकता तो भारत सरकार ने उनके लिए जो है ये सुविधा बनाई है जन औषधि केंद्र की तो सस्ती कीमत पर समझना बात को सस्ती कीमत पर दवाई उपलब्ध कराती है कौन जन औषधि केंद्र और अभी प्रधानमंत्री जी ने जन औषधि केंद्र को किस देश में खोलने का ऐलान किया है मॉरिशस में इंडोनेशिया में श्रीलंका में कि फिलीपींस में जल्दी से आंसर करें जल्दी से आंसर करें देखते हैं सबसे तेज जवाब कौन दे पाता है सबसे तेज जवाब कौन दे पाता है ठीक है तो सही चलिए सही साथियों में देख पा रहा हूं सबसे सही जवाब दिया है क्या बात है वेरी गुड तो साथियों इसका सही उत्तर आएगा मॉरिशियस क्या आ जाएगा इसका सही उत्तर मॉरिशियस आ जाएगा मित्रों अगर आप वर्ल्ड मैप में देखें तो ये विश्व का मैप है इसको ध्यान से देखिए ये एशिया महाद्वीप है कौन सा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप है और यह हमारा प्यारा भारत देश है ये साथियों अफ्रीका महाद्वीप है कौन सा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप है और यहां पर है साथियों हिंद महासागर इंडियन ओशन यहां पर क्या है हिंद महासागर है अब मॉरिशियस में खोला जाएगा तो मैं आपको वर्ल्ड मैप में लोकेशन बता रहा हूं यहां पर है साथियों ये मेडागास्कर है ये अफ्रीका है और यहां पर है साथियों मेडागास्कर गास्कर ये, र... ये देख रहे हैं आप ये जो ये जो है ना ये मेडागास्कर है और इस मेडागास्कर के पास ये जो ब्लैक कलर से मैंने स्पॉट किया है यही है साथियों मॉरिशियस तो पहली बात तो मॉरिशियस के बारे में आप क्या सीखे कि यहीं पर अभी जन औषधि केंद्र खोला जाएगा तो ये हिंद महासागरीय देश है पहली बात और इस मॉरिशियस की जो राजधानी है वो है साथियों पोर्ट लुइस इस मॉरिशियस की राजधानी क्या है पोर्ट लुइस है मित्रों और यहां के प्रधानमंत्री का नाम याद रखना है इस मॉरिशियस देश के प्रधानमंत्री का नाम है प्रविंद कुमार जगन्नाथ तो ये देखिए भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और मॉरिशियस के प्रधानमंत्री हैं जैसे ऋषि सुनक जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वैसे अगर आप देखिए तो कमला हैरिस किसे अमेरिका की उपराष्ट्रपति है वैसे ये प्रवीण कुमार जगन्नाथ कहाँ के प्रधानमंत्री हैं मॉरिशियस के प्राइम मिनिस्टर है जो कि हिंद महासागरीय देश है मेडागास्कर के पास और यहीं पर अभी जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा किसने की है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है तो देखिए भैया ये आप देख सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर अब देखिए मैं आपको एक बात बता दू जन औषधि केंद्र जो है ना जन औषधि केंद्र का उद्देश्य क्या है तो जन औषधि केंद्र का उद्देश्य यही है कि सस्ती कीमत पर लोगों को दवाई उपलब्ध कराना इसके अलावा देखिए प्रधानमंत्री ने एक और स्टेप लिया है लोगों के लिए वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देखिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में भी हमको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए इसे ही मित्रों आयुष्मान भारत योजना भी कहते हैं जिसको 23 सितंबर 2018 को लागू किया गया था इसके तहत भारत सरकार क्या करती है पांच पांच लाख जो पांच लाख तक का जो है हर परिवार को हेल्थ कवर देती है और भारत सरकार का कहना है कि इससे 10 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे और अगर एक परिवार में पांच लोग मान ले तो 50 करोड़ लोग यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ कवर स्कीम कौन सी है आयुष्मान भारत स्कीम है और एक बात याद रखना उत्तर उत्तर प्रदेश यूपी सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाने वाला राज्य बन गया है तो देखिए भैया ये प्रश्न अभी हाल ही में बहुत चर्चाओं में रहा है और आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाने वाला राज्य कौन सा बन गया है तो वो बन गया है साथियों उत्तर प्रदेश तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा बहुत अच्छे बहुत अच्छे वेरी नाइस चलिए बहुत बढ़िया अगला प्रश्न लेते हैं साथियों अगला प्रश्न लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड वो कह रहा है कि गर्भपात का अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया देखिए कान खड़े कर लो एकदम दिमाग को अलर्ट मोड पर डाल लो अगर आपसे कभी विश्व का पहला पूछ ले भारत का पहला पूछ ले दुनिया का पहला पूछ ले तो आप मान के चलिएगा क्वेश्चन पेपर में फंसता है तो देखिए आप लोगों को बताना है वो देश कौन सा है जर्मनी है इटली है जापान है कि फ्रांस है जल्दी से आंसर करो वेरी गुड हर्ष भाई ने सबसे तेज उत्तर दिया है चलिए बहुत बढ़िया एक बार सेव जी आप अपनी क्वालिटी मोबाइल में जो है उसको ठीक कर लीजिए तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा ठीक है चलिए राहुल भाई आकांक्षा जी रिबेल भाई हमारे राहुल सिंह जी आचल जी पिंकी जी दीपिका जी बहुत बढ़िया तो चलिए साथियों अगर हम देखें तो इसको लागू करने वाला जो पहला देश बन गया है वो बन गया है साथियों फ्रांस कौन बन गया है फ्रांस के अभी जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये निर्णय लिया है और फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है साथियों इमेन्युअल मैक्रो ये कौन है इमेन्युअल मैक्रो तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं कहां के राष्ट्रपति है मित्रों ध्यान तो से समझना फ्रांस के राष्ट्रपति है, है, है जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे उनका नाम है ग्रेबियल अटल क्या नाम है तो देखिए अभी फ्रांस के प्रधानमंत्री पद की कमान किसने संभाली है तो वो संभाली है मित्रों ग्रेबियल अटल ने और इसके अलावा देखें तो फ्रांस के फ्रांस ने ही अभी गर्भपात का अधिकार को जो है संविधान में शामिल किया है ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है और देखिए देखिए भैया फ्रांस फ्रांस की राजधानी है है पेरिस अब सर वर्ल्ड मैप में जरा बता दो हमको कोई दिक्कत नहीं साथियों इसका आंसर तो हमने लगा दिया अब जरा शांति से देखो भैया ये देखिए ये है साथियों फ्रांस देश कौन सा देश है ये फ्रांस देश है यहां पर फ्रांस के पास देखो यूके है यूनाइटेड किंगडम है इसके नीचे आप देखोगे ना साथियों यहां पर है स्पेन यहां पर कौन सा देश है स्पेन इस है इसके अलावा देखिए तो साथियों यहां पर फ्रांस के पड़ोस में एक देश है जर्मनी कौन सा है देश है जर्मनी है ठीक है और इसके अलावा यह देश है इटली तो देखिए फ्रांस यूरोप में स्थित एक देश है जिसके पड़ोस में आप देखोगे तो जर्मनी है इटली है स्पेन है इसके अलावा देखिए यहां मोनाको है और अगर हम देखें तो यहां पर है और भी बहुत सारे देश है मित्रों जर्मनी है ऑस्ट्रिया इसके पड़ोस में पड़ता है बाउंड्री टच नहीं करती परंतु इसका पड़ोसी देश है ठीक है क्रोएशिया है हंगरी है ये यूरोप का मैप है आपके सामने तो इसको भी आप लोग ध्यान से देख लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे ठीक है बहुत बढ़िया चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न का सही उत्तर कौन दे पाता है प्रश्न कह रहा है कि एशियाई रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप मार्च 2024 में कहा आयोजित की गई जल्दी से बताओ ईटानगर दिसपुर शिमला भोपाल जल्दी से बताओ बहुत बढ़िया तो देखिए सबसे पहले कौन देखते हैं देता है जवाब कि एशियाई रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में कहा आयोजित की गई है ठीक है बहुत बढ़िया चलिए देखते हैं सबसे तेज और सबसे जल्दी जवाब कौन देता है साथियों तो देखिए ये होती है रिवर राफ्टिंग देख रहे हैं आप ये रिवर के अंदर ये बोट चला रहे हैं इसको रियर रिवर राफ्टिंग बोलते हैं क्या बोलते हैं रिवर राफ्टिंग बोलते हैं और साथियों अभी ये इसका आयोजन किया गया शिमला में कहा किया गया शिमला में किया गया चार से नौ मार्च के बीच कब से कब तक चार से नौ मार्च 2024 के बीच में अभी ये रिवर राफ्टिंग जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहां किया गया हिमाचल प्रदेश में किया गया और हिमाचल प्रदेश में साथियों सतलज नदी पर हुआ इसका कहां पर हुआ तो हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर इसका आयोजन किया गया और यही सतलज नदी जो है ताल तिब्बत से निकलती है मित्रों कहां से निकलती है ताल में तिब्बत से यह नदी निकलती है और हिमाचल प्रदेश में शिव किला दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है और इसी नदी पर जो है अभी एशिया रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप आयोजित की गई और इसके अलावा अगर हम देखें साथियों इसके अलावा अगर हम देखें तो एक बात याद रखना इसका जो उद्घाटन किया गया है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है जिनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब क्या नाम है उनका तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है यहां पर अभी इसका क्या किया उद्घाटन किया और यहां पर हिमाचल प्रदेश आप जाएंगे ना मित्रों अभी संकट भी आया था यहां की सरकार पे तो यहां पे छह विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी जिनके खिलाफ जो है दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की गई है तो देखिए ये कांग्रेस की सरकार है हिमाचल प्रदेश में आप जाएंगे तो किस पार्टी की सरकार है कांग्रेस की सरकार है और शिमला इसका सही उत्तर होगा मित्रों क्या होगा शिमला होगा इसका सही उत्तर चलिए रिवेल भाई आचल जी रंजन जी आकांक्षा जी जिया जी भाई हमारे राइट डिजिटल सर्विस भाई भी हमारे क्या बात है द The... <coughs> चलिए पिंकी जी तनुमिना जी प्रणाम बहुत बढ़िया और आप लोगों से विनम्र अनुरोध है मित्रों आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें यह अनुरोध है आप लोगों से तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो हमें और मजा आएगा ठीक है है ना चलिए भैया क्वेश्चन नंबर जो है फोर का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी और हां ये शिमला के बारे में एक बात और बता दूं ये धौलाधार श्रेणी पर स्थित है मित्रों कहां पर स्थित है धौलाधार श्रेणी पर स्थित है और जब आप हिमाचल प्रदेश जाओगे ना साथियों तो बहुत एक से एक टूरिस्ट प्लेस है यहीं पर साथियों धर्मशाला है यहीं पर एक जगह है मैकलोडगंज मैकलोडगंज जो है इसके अलावा यहीं पर दलाई लामा का टेम्पल है मैकलोड़गंज में इसके अलावा जब आप यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में एक जगह जाएंगे खज्जियार खजियार एक ऐसी जगह है जिसको भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है तो अद्भुत पर्यटन स्थल यहां पर देखने को मिलेंगे हिमाचल प्रदेश की धरती पर तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा चलिए सर अगला प्रश्न देखते हैं यह भी हिमाचल प्रदेश से चल सर बता देंगे हम तो देखिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना शुरू की गई इस योजना के तहत हर महीने महिलाओं को कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे क्या बात है चांदी ही चांदी है हिमाचल प्रदेश में भी महिलाओं को पैसे मिलेंगे हमारे मध्य प्रदेश के अंदर तो लाडली बहना योजना चल रही है ना बारह सौ तो वैसे ही अगर हम देखें तो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना के तहत कितने पैसे देने की घोषणा की है हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंद्रह सौ रुपये हजार रुपये पच्चीस सौ रुपये या तीन हजार रुपये जल्दी बताओ जल्दी से बताओ चलिए देख पा रहा हूं मैं एकदम हमारे विद्यार्थी बहुत बढ़िया तरीके से उत्तर दे रहे हैं क्या बात है बहुत अच्छे तो देखिए अगर हम बात करें ध्यान से मेरी बात को समझना अगर हम देखें इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना की तो इसको शुरू तो हिमाचल प्रदेश ने से किया है पहली बात और इसमें ऐसा कहा है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कि जिन महिलाओं की उम्र अठारह से लेकर उनसाहठ हाँ वर्ष होगी कितनी अठारह से लेकर उनसाहठ वर्ष होगी है ना उनको जो है पंद्रह सौ रुपए दिए जाएंगे कितने आर्थिक सहायता दी जाएगी तो साथियों याद रखना उन्हें पंद्रह सौ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी कितने रुपए की सहायता दी जाएगी पंद्रह सौ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी ये बात आप लोगों को याद रखना है तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा पंद्रह वैसे ही मध्य प्रदेश में चल रही है लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में चल रही है कौन सी लाडली बहना योजना जिसके तहत हर महीने महिलाओं के अकाउंट में बारह रुपए हस्तांतरित किए जाते हैं दिल्ली सरकार ने भी अभी बजट पेश किया है तो महिलाओं को एक हजार रुपए महीने देने की घोषणा की है दिल्ली का अभी बजट पेश हुआ तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर महिलाओं को अभी इतना टारगेट क्यों किया जा रहा है इतना ज्यादा आर्थिक सहायता क्यों दी जा रही तो देखिए भैया ऐसा जनरली ऐसे ही होता है कि महिलाएं जब भी कभी कोई पैसा खर्चा करती है ना तो वो हमेशा बच्चों की पढ़ाई में खर्च करती है जो गरीब महिलाएं होती है या तो वो बच्चों की एजुकेशन में पैसा खर्च करेगी या तो किसी बहुत उपयोगी काम के लिए करेगी तो महिला सशक्तिकरण करने के लिए प्रयास किए जाते हैं ताकि उनको भी जो है वो आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा और इसको शुरू किसने किया तो सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब ने किया किसने शुरू किया तो इसको शुरू किया है मित्रों सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब ने किसने शुरू किया मा मालिक? तो इनको इसको शुरू किया है सुखविंदर सिंह साहब ने जो कि हिमाचल के सीएम है ठीक है ये भी याद रखना है अगला प्रश्न लिखते हैं हाँ उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं हिमाचल प्रदेश की कुछ अन्य योजनाएं देखा जाए अगर तो देखिए सशक्त महिला ऋण योजना जो कि महिलाओं की उन महिलाओं को उनकी उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को साकार करने हेतु जो है वो कौन सी स्कीम है सशक्त महिला ऋण योजना इसके अलावा मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना इसके तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्रों को एक परसेंट ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा साथ ही साथ मुख्यमंत्री सबल योजना यह हर बच्चे को गुणवत्ता वाली शिक्षा स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए है तो कुछ अन्य हिमाचल प्रदेश की योजनाएं जो अभी ट्रेंडिंग में है उसको भी आप लोगों को देख लेना है ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न क्रमांक वो कह रहा है कि अदिति योजना की शुरुआत किसने की है तो जल्दी से बताओ अदिति योजना की शुरुआत किसने की है अमित शाह ने गिरिराज सिंह ने राजनाथ सिंह ने या नितिन गडकरी ने जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ चलिए तो योजना की शुरुआत किसने की तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं ये भारत के जो रक्षा मंत्री जी हैं भारत के रक्षा मंत्री जी का नाम है राजनाथ सिंह जी कौन है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी है मित्रों और अभी इन्होंने किस स्कीम को शुरू किया है अदिति योजना का जो है शुरुआत की है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी क्या राजनाथ सिंह अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि अदिति योजना है क्या तो देखिए आप भारत में जो है अगर कोई व्यक्ति डिफेंस सेक्टर में स्टार्टअप करना चाहता है तो सरकार उसको आर्थिक सहायता जो है उपलब्ध कराएगी इसी पर्पज से इस योजना को शुरू किया गया है तो पहली बात याद रखना कि डेफ कनेक्ट 2024 के उद्घाटन के दौरान जो है अभी योजना की शुरुआत की गई है इसके अलावा देखें तो इस ये योजना जो है दो वर्षों तक के लिए लागू रहेगी और इसका उद्देश्य क्या है तो जो स्टार्टअप करना चाहता है यानी कि खुद का बिजनेस करना चाहता है परंतु किस सेक्टर में डिफेंस टेक्नोलॉजी के सेक्टर में अगर वो अनुसंधान रिसर्च से रिलेटेड कोई कंपनी खोलना चाहता है कोई नवाचार करना चाहता है तो सरकार उसे 25 करोड़ रुपए तक का अनुदान देगी तो देखिए भारत सरकार ने एक स्कीम भी चालू करी है स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया का मतलब यह है कि भारत में ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति जो है स्वयं का रोजगार खोले नौकरी मांगने वाले न बने नौकरी देने वाले बने इस परपस से जो है भारत सरकार ने इस योजना को शुरू किया है तो यह बात भी आप लोगों को ध्यान में रखना और पूरी मैंने आप लोगों से डिटेल साझा कर ली साथियों ताकि इस डिटेल के माध्यम से भी हमारे को थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाए ठीक है बहुत बढ़िया चलिए जया जी तनु जी विजय भाई पिंकी जी मंजू जी ज्योति जी सुशी जी इलेष भाई हमारे निखिल भाई अलका जी शारदा जी विजय भाई रंजन जी सुरेंद्र भाई रविशंकर भाई आकांक्षा जी बहुत हमारे विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं चलिए भैया अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न क्रमांक सात क्या कह रहा है कि किस राज्य के वन विभाग ने ताड़ोबा महोत्सव के दौरान पैंसठ पौधे लगाकर भारत माता शब्द लिखकर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ऐसे ही प्रश्न आते हैं साथियों जिन पे विद्यार्थी ध्यान नहीं देते हैं तो देखिए पैंसठ पौधे लगाकर भारत माता शब्द लिखा है ताडोबा महोत्सव में तो ये किस राज्य के वन विभाग ने कारनामा करके दिखाया है महाराष्ट्र ने उत्तर प्रदेश ने बिहार ने या बंगाल ने जल्दी से बताओ भैया देखते हैं कौन जाव? सबसे सही जवाब देता है सबसे जल्दी जवाब देता है ठीक है तो देखिए ये आप देख रहे हैं ये ताडोबा अधारी व्याद्र प्रकल ये महाराष्ट्र में लिखा हुआ है ये है मित्रों ताडोबा आधारी टाइगर रिजर्व ये कौन सा है ये ताडोबा आधारी टाइगर रिजर्व है क्या है ताडोबा आधारी टाइगर रिजर्व है जो कहां पर स्थित है मित्रों महाराष्ट्र के अंदर कहां स्थित है ये तो पहली बात साथियों ये याद रखेंगे ये पड़ता है महाराष्ट्र में और अभी महाराष्ट्र के ही वन विभाग ने जो है यहां पर जो है पैसठ हजार सात सौ चौबीस पौधे लगाकर भारत माता लिखा हुआ है तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा तो मैं देख पा रहा हूं कि हमारे कई विद्यार्थियों ने एकदम सही उत्तर दिया है बहुत बढ़िया साथियों बहुत अति उत्तम और हाँ मित्रों एक विनम्र निवेदन है वीडियो को लाइक और शेयर करें आप क्लास में आने से पहले मेरी एक बात फॉलो करेंगे अपने के स्टेटस पे जो है क्लास क्लास को शेड्यूल करके फिर क्लास देखने आए तो और मजा और मजा मजा आएगा आएगा साथियों ठीक है तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है आप थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन देख लेते देखिए अभी जो है ताडोबा महोत्सव दो कहां पर आयोजित हुआ तो इसका आयोजन साथियों एक से तीन मार्च दो को तीन दिवसीय आयोजन हुआ कहां पर ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर में स्थित है यहां पर इसका आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है साथियों वो है वन्य जीव संरक्षण टिकाऊ पर्यटन और महाराष्ट्र की विरासत को संरक्षित करना यह इसका पर्पस है मित्रों ये ताडोबा महोत्सव का यह भी आप लोग देख लेंगे और महाराष्ट्र में थोड़ा सा अगर हम समझें तो देखिए पहली बात याद रखना महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस हैं कौन है तो रमेश बेस जो है यहां के गवर्नर हैं साथ ही तो साथ देखिए तो एक नाथ शिंदे साहब याद रखना महाराष्ट्र की अभी कमान किसके हाथ में है और ये महाराष्ट्र की अभी जो कमान संभाल रहे हैं वो एक नाथ शिंदे जी संभाल रहे हैं जो कि शिवसेना पार्टी से आते हैं किस राजनीतिक दल से आते हैं शिवसेना से आते हैं तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखना है फिर हम आगे बढ़ते हैं चलिए बहुत अच्छे चलिए साथियों अगला प्रश्न हाँ भैया जी बताओ तो जरा प्रश्न क्रमांक आठ कि किस राज्य द्वारा भारत सरकार भारत का पहला सरकार समर्पित ओ टी टी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया मतलब कि सरकार ने समर्थन दिया है ओ टी टी प्लेटफॉर्म का और वो भारत का पहला देखो भैया यही प्रश्न आपको याद रखना है ये आ गया ना तो इसमें फाइव स्टार क्वेश्चन हो गया ये कि भारत का पहला आ गया ना ये ओटी टी प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है तमिलनाडु ने केरल ने कर्नाटक ने उड़ीसा ने जल्दी से आंसर करना है वेरी गुड देशराज भाई बहुत अच्छे राहुल सिंह जी जिया पाल जी काव्या मेघवाल जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए साथियों बस आप पूरी क्लास जरूर इंजॉय करिए बहुत बढ़िया साथियों मैं देख पा रहा हूं जो है सभी विद्यार्थी एकदम सही उत्तर दे रहे तो देखिए मैं आपको बताता हूं अभी ये देखिए ये सी स्पेस ओटीटी प्लेटफॉर्म है कौन सा प्लेटफॉर्म है ये सी स्पेस ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिसको अभी लॉन्च किया है केरल की गवर्नमेंट ने किसने लॉन्च किया है मित्रों केरल की गवर्नमेंट ने ओटीटी प्लेटफॉर्म तो आप बड़े यूज करते होंगे वेब सीरीज वगैरह देखते होंगे बहुत सारी तो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तो देख रहे हैं और जब से ये ओटी टी प्लेटफॉर्म आया है तब से देखना लोग बागों ने जरा जो है वो टॉकीजो में जाना कम कर दिया है और मोबाइल के अंदर ही पूरा सीमित हो गया है टॉकीज टीवी सब तो देखिए सी स्पेस इसने अभी जो है सी स्पेस नामक जो ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है वो केरल ने लॉन्च किया है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है मलयालम सिनेमा को बढ़ावा देना क्योंकि केरल में मलयालम बोली जाती है और वहां पर जो इंडस्ट्री चलती है वो मलयालम इंडस्ट्री चलती है तो देखिए साथियों इस प्रश्न की बात करें तो अभी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल हो जाएगा शांति से समझना शांति से समझना देखिए अभी केरल ने लॉन्च किया है क्या ओ टी टी प्लेटफॉर्म क्या लॉन्च किया है साथियों एकदम मेरे साथ याद भी करते चले और इस ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है सी स्पेस क्या है सी स्पेस ओटीटी प्लेटफॉर्म है तो यह प्रश्न फाइव स्टार प्रश्न है कारण क्या है कि भैया ये सरकार के द्वारा समर्पित है समर्थित है और मलयालम सिनेमा को बढ़ावा देना इसका पर्पस क्या है तो साथियों मलयालम सिनेमा को बढ़ावा देना ध्यान से समझ लेना मलयालम सिनेमा को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरला क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरला ठीक है बहुत बढ़िया बहुत अच्छे ठीक है न्यू अपडेट भाई कह रहे हैं ठीक है बहुत बढ़िया जी जी हाँ न्यू अपडेट भाई बिल्कुल ठीक है ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा केरला केरला और देखिए केरल में में पिनराई विजयन साहब की सरकार है। केरला में सरकार है किसकी है तो यहाँ पर सीएम महोदय जो है उनका नाम है पिनराई विजयन और आरिफ मोहम्मद खान साहब महामहिम गवर्नर है यहाँ के ये बात भी आप लोगों को याद रखना है आरिफ मोहम्मद खान साहब क्या हैं यहाँ के महामहिम राज्यपाल हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा केरला बहुत ध्यान से करना है ठीक है चलिए मुस्कान खान जी गुड मॉर्निंग टीना सिसोदिया जी गुड मॉर्निंग पिंकी जी इलेस भाई रूपाली जी राहुल सिंह जी चलिए बहुत बढ़िया आकांक्षा जी रविशंकर जी बहुत बढ़िया चलिए साथियों आगे बढ़े मुस्कान जी बहुत बढ़िया अगला प्रश्न अगला प्रश्न क्या है उससे पहले मैं आप आप को एक जानकारी दे दूं अगर एमपीपीएससी प्री मेंस या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं साथियों तो आप लोगों के लिए बेहतरीन कोर्स लेकर आया है सत्याधि इस कोर्स से आप जुड़ सकते हैं और आपकी तैयारी को एकदम बढ़िया कर सकते हैं ठीक है चलिए भैया अगला प्रश्न क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर नाइन कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहां किया गया साथियों फिर आ गया भारत का पहला फिर भारत का पहला आ गया तो जितने भी भारत के पहले विश्व के पहले भारत की पहली महिला विश्व की पहली महिला ऐसे प्रश्न आ जाए ना तो एकदम बढ़िया से सुनना है गांधीनगर में किया गया जामनगर में किया गया हिसार में किया गया कि मुंबई में किया गया पहला जो है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहां किया गया स्टेनलेस स्टील से रिलेटेड तो देखिए भैया अब पहले इसका अपन समझते हैं उत्तर तो देखिए ये अभी शुरू किया गया हिसार में और आप सभी जानते हैं साथियों हिसार पड़ता है हरियाणा में कहा पड़ता है हरियाणा में पड़ता है और यहीं पर जो है स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाया गया है क्या बनाया गया है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाया गया है तो इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में एकदम अति उत्तम तरीके से रखना है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिसार क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिसार हो जाएगा साथियों और एक बात और याद रखना इसका जो उद्घाटन किया ना अभी इसको लॉन्च किसने किया इसका उद्घाटन किसने किया तो यह किया साथियों ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा से किया किसने किया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया अब आप कहेंगे कि सर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने ही क्यों किया केंद्र में तो बहुत सारे मंत्री हैं तो सर अभी इनके पास एक मंत्रालय है इनके मंत्रालय का नाम है स्पात मंत्रालय तो भारत में अभी स्पात मंत्री कौन है ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब है केवल इस्पात मंत्री नहीं है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास दो मंत्रालय एक तो इस्पात मंत्रालय है इसके अलावा एक मंत्रालय है नागरिक उड्डयन मंत्रालय तो इस्पात मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जिन्होंने इसको लॉन्च किया है ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा साथियों बहुत अच्छे बहुत अच्छे चलिए क्या बात है बहुत ही शानदार बहुत ही जानदार बहुत ही धुआंधार ठीक है हाँ साथियों को लाइक शेयर करते रहे तब जरा आनंद आएगा ठीक है विजय भाई देशराज भाई रिवेल भाई इलेश भाई मिस्टी जी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ है ना क्वेश्चन नंबर दस वो कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है तो जरा जल्दी बताओ तो कावेरी पोर्टल को लॉन्च किया है कि चक्षु पोर्टल को लॉन्च किया है संपदा पोर्टल या सक्षम पोर्टल जल्दी से आंसर करेंगे किसको लॉन्च किया है अभी अश्विनी वैष्णव जी ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है जल्दी से आंसर करेंगे साथियों बहुत बढ़िया देखते हैं सबसे जल्दी उत्तर और सबसे तेज उत्तर कौन दे पा रहा है चलिए करिश्मा जी रिवेल भाई राहुल सिंह जी बहुत बढ़िया तो देखते हैं सबसे तेज और सबसे जल्दी उत्तर कौन पकड़ पाता है ठीक है चलिए भैया मैं देख पा रहा हूं एकदम बढ़िया तरीके से सही उत्तर सब दे रहे हैं तो साथियों ये अभी पोर्टल लॉन्च हुआ है चक्षु पोर्टल कौन सा लॉन्च हुआ है चक्षु पोर्टल लॉन्च किया है और ये फोटो आप थोड़ा दिमाग में रखना ये फोटो आप दिमाग में रखना ये जो मंत्री जी हैं इनका नाम है अश्विनी वैष्णव ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं ना आपकी स्क्रीन पर इनका नाम है साथियों अश्विनी वैष्णव क्या नाम है इनका अश्विनी वैष्णव इनका नाम है और ये भारत में दूर संचार मंत्री हैं देखिए इनके पास दूरसंचार मंत्री तो है ही हैं इसके अलावा ये भारत के रेल मंत्री भी हैं तो कई बार रेलवे वगैरह की एग्जाम अब आ गई है टेक्नीशियन वगैरह की तो इन रेलवे वगैरह की एग्जाम में सीधे अपनी क्लास से प्रश्न उठ के आएंगे साथियों तो आप लोग एकदम ध्यान से सुनना तो भैया ये रेल मंत्री और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब है इन्होंने अभी चक्षु पोर्टल लॉन्च किया अब आप बोलोगे कि सर ये चक्षु पोर्टल करेगा क्या तो देखिये मैं आपको बता दू ये देखी होगी ये सबसे खतरनाक दुनिया है अभी साइबर क्राइम साइबर क्राइम जो है कई लोगों के साथ साइबर फ्रॉड होता है उनको फेक फोन आते हैं फेक एसएमएस कॉल आते हैं तो अब इस चक्षु पोर्टल के माध्यम से अगर उनके साथ कोई साइबर क्राइम होता है तो उसकी शिकायत वो कर सकते हैं उनके पास कोई फेक कॉल आता है कोई फेक एसएमएस आता है उनको कोई ठगने की कोशिश करता है तो उसको जो है वो मिनिमाइज करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है तो ये भी आप याद रखना तो देखिए भैया इसका मुख्य उद्देश्य क्या है साइबर अपराध को रोकना क्या है साइबर अपराध को रोकना है ना साइबर अपराध को रोकना प्लस शिकायत निवारण बनाना तो यह शिकायत निवारण के लिए एक पोर्टल बनाया गया है ताकि लोगों को अब जो है वो साइबर फ्रॉड से बचाया जा सके ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा चलिए वेरी गुड चलिए बहुत अच्छे चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हाँ अगला प्रश्न क्या है देखते हैं जरा अगला प्रश्न कहां गया हमारा हाँ दस प्रश्न हो गए थे अब अपन पढ़ते हैं ग्यारहवा प्रश्न ठीक है चलिए भैया इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए दो सॉरी ग्यारहवा प्रश्न है भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है तो देखिए फिर आ गया भारत का पहला साथियों आज एक से एक प्रश्न छाट के लाया हूं आपके लिए एकदम बढ़िया तरीके से है ना सब्जी मार्केट में बहुत सारी सब्जियां होती है तो अच्छे अच्छे कैसे सब्जी ढूंढना है वैसे मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी सब्जी ढूंढ के लाता हूं जो आप मतलब पढ़ेंगे तो एग्जाम में बिल्कुल आएगा प्रश्न तो भैया ये जो है भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां बनाया गया पटना में भोपाल में एशिया में सॉरी चेन्नई में या कोटा में जल्दी से बताओ जल्दी से बताइए चलिए बहुत बढ़िया रविशंकर भाई जिया जी काव्या जी अहमद भाई हमारे चलिए साथियों चलिए तो देखिए अब मैं आपको एक बात जरा ध्यान से समझना भारत का पहला एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं जो है भारत, के साथ साथ एशिया का पहला है भारत एवं साथियों एशिया का पहला है तो भारत एवं एशिया का जो पहला है क्या साथियों भारत एवं एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र क्या साथियों डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो स्थापित किया गया है डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र यह स्थापित किया गया है साथियों पटना के अंदर तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा साथियों पटना के अंदर अब देखिए यह भारत ही नहीं साथियों एशिया का पहला है याद रखना एशिया और भारत दोनों का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित किया गया है पटना में स्थापित किया गया है साथियों और एक बात शांति से यह समझना कि इसका उद्देश्य क्या है डॉल्फिन पर अनुसंधान और रिसर्च करना तो डॉल्फिन पर जो है अनुसंधान करना और उसके बारे में व्यापक जानकारी एकत्रित करना देखिए डॉल्फिन जो है साथियों ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है एकदम शांति से समझना भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है मित्रों वो क्या है तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है वो है साथियों क्या डॉल्फिन है इसके अलावा अभी 2023 में यूपी ने उत्तर प्रदेश ने अपना जो राजकीय जलीय जीव घोषित किया है वो भी डॉल्फिन को किया है ये लेटेस्ट अपडेट है आप लोगों के लिए ये भी याद रखना राजकीय जलीय जीव किसको घोषित किया है यूपी ने अभी तो यूपी ने अभी अपना राजकीय जलीय जीव घोषित किया है वो किसको किया है डॉल्फिन को किया है तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटना हो जाएगा क्या हो जाएगा पटना हो जाएगा ठीक है चलिए बहुत अच्छे बहुत बढ़िया बहुत अच्छे ठीक है चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं हाँ आप देखिए ये देख सकते हैं ये डॉल्फिन है ये देख सकते हैं डॉल्फिन मछली है ये और ये जो कहा पाई जाती है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये डॉल्फिन मछली मित्रों गंगा नदी में पाई जाती है रेड कलर से लिख देता हूं अच्छे से दिखेगा तो देखिए दिखे, ये कहाँ पाई जाती है तो आप गंगा नदी चले जाएं इसके अलावा मेघना नदी इसके अलावा ब्रह्मापुत्र नदी तो यहां पर ये नदी बहुल ये जो मछली है ये बहुलता में पाई जाती है डॉल्फिन मछली जिसका अभी अनुसंधान केंद्र पटना में खोला गया है यह भी आप लोगों को ध्यान में रखना है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया चलिए बहुत अच्छे चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न हां भैया चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर बारवा कह रहा है कि किस राज्य की पारंपरिक आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग मिला है तो देखिए परंपरागत आदिवासी पोशाक रीसा को टैग मिला ये तो देख सकते हैं आप ये फोटो देखिए ये जो है ना हाथ से बना हुआ है यह हाथ से बनी हुई पोशाक है और इस पोशाक का नाम है साथियों रीसा और अभी इस रीसा पोशाक जो है ये किससे संबंधित है मित्रों त्रिपुरा से तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा ये त्रिपुरा की एक पारंपरिक पोशाक है जिसको हाल ही में क्या दिया गया है साथियों जीआई टैग दिया गया है क्या दिया गया है इसको जीआई टैग दिया गया है ये बात भी आप लोगों को याद रखना है देखिए अभी करंटली किन किन चीजों को जीआई टैग दिया गया है थोड़ा सा अपन ये भी शेयर कर सकते हैं जैसे मैं आपको समझाता हूं अभी करंटली कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है जैसे मित्रों एक चीज बताता हूं अभी एक कच्छी खरेक ये कच्छ की एक खरेक है जिसको हम गुजरात की कच्छ की तो गुजरात के कच्छ में कच्ची खरेक को अभी जी टैग दिया गया है इसके अलावा देखिए साथियों तो बेसन के लड्डू ये बेसन के लड्डू जो हैं ये अयोध्या में फेमस है ये अयोध्या के जो बेसन के लड्डू है साथियों इसको भी अभी जी आई मिला है इसके अलावा रीसा जो कि त्रिपुरा का एक फेमस पोशाक है इसको भी जी आई दिया गया है और याद रखें मित्रों पहला जी आई जो दिया गया था वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था किसको दिया गया था पहला जी आई दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था और अगर किसी भी चीज को जी आई टैग प्राप्त करवाने के लिए सबसे पहले चेन्नई में अप्लाई करना पड़ता है और अगर किसी प्रोडक्ट को एक बार जी आई टैग मिल गया तो उसकी जो सीमा होती है वो दस वर्ष होती है कितनी होती है दस वर्ष होती है ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है ठीक है अब देखिए ये जो है ना त्रिपुरा की पोशाक जिसका नाम रीसा है इसको अभी मार्च 2024 में जीआई टैग मिला है साथियों पहली बात दूसरी बात देखें तो वर्ष 2023 में अभी त्रिपुरा की जो रानी अनानास सहित कुल पूर्वोत्तर में उगाई जाने वाली तेरा फलों और सब्जियों को भी अभी जीआई टैग दिया गया है तो देखिए अभी त्रिपुरा की ही तेरा, और पूर्वोत्तर भारत के, मिला के तेरा फल को सब्जियों को जो है और अद, अदर प्रोडक्ट्स को जो है वो जीआई टैग दिया गया है इसके अलावा रीसा है क्या तो ये एक पारंपरिक त्रिपुरा महिला पोशाक है इसके तीन भाग होते हैं एक होता है रीसा एक होता है रिगनाई और एक होता है साथियों रिकुतु है ना तो रिकुतु होता है तो ये भी याद याद रखना है आप लोगों को तो ये रीसा है है ना ये एक तरीके का स्टॉल है जिसको अपन गमछा बोलते हैं ना अपने इधर तो ये गमछा स्टाइल है ठीक है चलिए भैया बहुत अच्छे एकदम बढ़िया राजेश भाई विजय भाई इलेश भाई ज्योति जी वीडियो को शेयर कर दीजिए मित्रों मजा आ जाएगा ठीक है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ठीक है बहुत अच्छे बहुत अच्छे मित्रों चलिए आगे बढ़े आगे हमारी गाड़ी को बढ़ाते हैं तो चलिए पांचवा तेरहवा प्रश्न कह रहा है कि पांचवा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 की थीम क्या है जल्दी से बताइए कि जो पांचवें नंबर का राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव है उसकी थीम क्या है यंग इंडिया अवर इंडिया यंग इंडिया फैमिली ऑफ इंडिया यंग इंडिया स्ट्रॉन्ग इंडिया यंग वॉइस इंगेज एंड इंपावर फॉर नेशन ट्रांसफॉर्मेशन तो भैया चलिए बहुत बढ़िया जल्दी से बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा सही उत्तर क्या होगा चलिए बहुत बढ़िया जल्दी से देखते हैं सबसे सही उत्तर सबसे तेज उत्तर कौन दे पाता है देखते हैं साथियों सबसे तेज और सबसे सही उत्तर कौन दे पाता है तो भैया जी इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन ये यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ए बी सी डी तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और कभी भी एग्जाम में तुक्का मारने की तकनीक बताऊं अगर आप किसी क्वेश्चन को पढ़ रहे हो उसमें तुक्का मार रहे हो आपको एक मान लो ये क्वेश्चन आपके सामने आया और आपको इसका कोई आइडिया नहीं है ठीक है चार ऑप्शन में जो सबसे बड़ा ऑप्शन हो ना उसको टिक कर देना 90 80 परसेंट संभावना क्वेश्चन सही जाएगा ये एक तुक्का मारने की तकनीक बता रहा हूं साथियों तुक्का मारने की तकनीक है कि चार ऑप्शन में जो सबसे लंबा लगे ना उसको आंसर कर देना उत्तर वही होता है ठीक है बहुत बढ़िया साथियों बहुत अच्छे चलिए आगे बढ़ते हैं आगे हमारे लिए प्रश्न क्या कह रहा है बहुत अच्छा प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न क्वेश्चन नंबर चौदह क्या कह रहा है वो कह रहा है कि देश की पहली अंडर वाटर सुरंग की कुल लंबाई कितनी है तो अभी देश की पहली अंडर वाटर सुरंग जो है राष्ट्र जो है राष्ट्र के नाम सम, जो है वो समर्पित की गई है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा तो आप लोगों को बताना उसकी कुल लंबाई कितनी है 520 मीटर 600 मीटर 480 मीटर या 720 मीटर चलिए बहुत बढ़िया चलिए चलिए बहुत बढ़िया तो देखिए भैया अब देखिए इसका अब देखिए आप सबसे पहले तो यह समझो कि अंडर वाटर सुरंग होती क्या है मतलब पानी के अंदर सुरंग है तो देखिए ये आप देख रहे हैं ये होती है अंडर वाटर टनल मतलब ये पानी है और यहाँ से फिर ट्रेन गुजरेगी देखिए आप जब आप कलकत्ता जाएंगे ना साथियों इतनी ज्यादा भीड़ इतना ज़्यादा ट्रैफिक महानगरों में है तो कलकत्ता के ट्रैफिक को कम करने के लिए देखिए सबसे पहली बार मेट्रो भी जो है वो बंगाल में कलकत्ता में ही लाई गई थी कारण क्या है कि आप देखिए महानगरों के अंदर इतना ट्रैफिक है कि लोगों को अपनी गाड़ियाँ और ये पार्क करने की जगह नहीं है तो फिर सरकार ने इसका अल्टरनेट ढूंढाया और जो है अंडर वाटर टनल बनाई है जिसके अंतर्गत पानी के अंदर से जो है ट्रेन गुजरेगी तो देखिए पहली बात तो ये याद रखें आप लोग कि है तो पहली बात याद रखना हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है यानी कि ये जो अंडर वाटर टनल बनाई गई है ये किस नदी पर बनाई गई है पांच फाइव स्टार क्वेश्चन नदी पर बनाई गई है अब इसकी कुछ विशेषता बताता हूं देखिए अगर मान लो ये जमीन है जहां पर हम रहते हैं तो ये जो है जमीन से 33 मीटर नीचे है कितने मीटर नीचे है 33 मीटर नीचे है और पानी में कुल मिलाकर ये पांच सौ बीस मीटर कितना साथियों पानी के अंदर ये पांच सौ बीस मीटर रहेगी और किस नदी पर रहेगी ये हुगली नदी पर रहेगी किस नदी पर रहेगी हुगली नदी पर रहेगी और ये कलकत्ता को हावड़ा से जोड़ेगा किससे जोड़ेगा कलकत्ता को ही हुगली नदी के दूसरा जो पोर्शन है हावड़ा उससे ये जोड़ेगी टनल और ये जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए देखिए साथियों अभी आप और हां एक बात और याद रखना साथियों एक बात और याद रखना इसको बनाने में कुल मिलाकर 120 करोड़ की लागत आई है कितनी लागत आई है तो एक बात याद रखना इस पूरे पुल कुल प्रोजेक्ट में 120 करोड़ रुपए की लागत आई है कितनी लागत आई है 120 करोड़ रुपए इसको बनाने में लगे हैं ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखना है इसके अलावा भारत की पहली जो मेट्रो आई थी साथियों भी याद रखना ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए भारत की जो पहली मेट्रो आई थी भारत की जो पहली मेट्रो आई थी वो भी नाइनटीन में उन्नीस में कलकत्ता में आई गई थी ठीक है तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए और कलकत्ता साथियों अंग्रेजों के जमाने से सबसे पहले उन्होंने जो अपना पावर जमाया था ना वो कलकत्ता में ही बनाया था बंगाल की धरती जो है एक जमाने में इतनी ज्यादा उपजाऊ धरती थी क्योंकि आज का पूरा बांग्लादेश आज का पूरा पश्चिम बंगाल आज का पूरा उड़ीसा है ना आज का पूरा बिहार ये उतना बड़ा क्षेत्र हुआ करता था अंग्रेजों के जमाने में बंगाल और उस बंगाल पर सबसे ज्यादा शोषण हुआ इसलिए आप इतिहास पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा आवाज भी बंगाल की धरती से उठी है ठीक है चलिए बहुत अच्छे तो प्रश्न जो है चलिए बहुत बढ़िया बहुत अच्छे साथियों है ना तो यह प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है चलिए साथियों आगे बढ़ते बढ़ती अंडर वाटर जो है इस एसी बनती है ना ठीक है अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न क्रमांक पंद्रह कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है तो बताओ तो भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल कहां खोला गया है प्रयागराज में कानपुर में मथुरा में कि झांसी में ठीक है चलिए देखते हैं सबसे जल्दी उत्तर कौन दे पाता है इसका तो देखिए अभी उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में कहां पर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में जो है वो भारत का पहला गर्ल्स स्कूल खोला गया है क्या खोला गया है भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल खोला गया है क्या खोला गया है भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल खोला गया है क्या खोला गया है मित्रों भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल खोला गया है और इसका नाम भी मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं इसका नाम होगा सविंद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल क्या होगा सविंद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल सविंद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल और आप लोगों को मालूम होगा कि भारत सरकार ने अभी सेना के अंदर महिलाओं की एंट्री को शुरू कर दिया है तो इसके तहत भारत सरकार का जो रक्षा मंत्रालय है ना साथियों भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने अभी सौ सैनिक स्कूल बनाने की घोषणा की है कितने सैनिक स्कूल बनाने की घोषणा की है सौ सैनिक स्कूल बनाने की घोषणा की है जिसके अंतर्गत मथुरा के अंदर मित्रों ऑप्शन नंबर सी भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला जाएगा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा ठीक है बहुत अच्छे चलिए पिंकी जी भाई चलिए बहुत बढ़िया चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर कि एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहां किया गया है तो लखनऊ में किया गया है जयपुर में चेन्नई में कि हैदराबाद में जल्दी से आंसर करें मित्रों देखते हैं सबसे तेज उत्तर कौन दे पाता है एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो की बात हो रही है ना तो देखिए ये विंग्स इंडिया दो की बात हो रही है किसकी बात हो रही है तो बात हो रही है साथियों विंग्स इंडिया 2024 की बात हो रही है और ये जो विंग्स इंडिया 2024 है इसका आयोजन अभी किया गया है हैदराबाद में कहां पर? में. कहां पर पर हैदराबाद हैदराबाद में यानी कि तेलंगाना कहां पर साथियों हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी है यहीं पर किया गया और इसको जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी यहां पर मौजूद थे कौन मौजूद थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी यहां पर मौजूद थे क्योंकि ये भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर है यानी कि नागरिक नागरिक उड्डयन मंत्री है ये कौन है नागरिक उड्डयन मंत्री है भारत सरकार में तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद हो जाएगा है ना ठीक है ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है एकदम बढ़िया मित्रों क्लास को ज्यादा से ज्यादा देखना है पूरी क्लास देखना है लाइक और शेयर जरूर करें अनुरोध है आप लोगों से और क्लास रोज आठ से नौ लगती है ना मित्रों याद रखना चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और, और, प्रश्न क्रमांक सत्रह कह रहा है कि भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा तो देखिए सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव किस नदी में इसका संचालन किया जाएगा तो यमुना नदी गंगा नदी घाघरा नदी या फिर सरयू नदी बताओ भैया तो देखिए आप अगर हम देखें भारत की पहली आज की पूरी क्लास देखना भारत की पहली विश्व की पहली हम इतने बढ़िया बढ़िया प्रश्नों पर बात कर रहे हैं कि आपकी एग्जाम में फंसेगा क्वेश्चन ठीक है अब देखिए भैया यहां पर अगर हम देखें तो ये बनाई जाएगी साथियों सरयू नदी पर कहां बनाई जाएगी तो याद रखना ये बन रही है सरयू नदी पर और सरयू के किनारे ही क्या बसा है अयोध्या सरयू के किनारे ही क्या बसा है साथियों अयोध्या बना है जहां पर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनाया गया और उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई 22 जनवरी को तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सरयू नदी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सरयू नदी ठीक है चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न क्रमांक अट्ठारह क्या कह रहा है कि समुद्री अभ्यास अयुत्या और भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित आयोजन किया जाता है तो देखिए भैया अयोध्या की बात हो रही है ठीक है और भारत की और किस देश की नेवी के बीच में होता है एग्जामिनर यह प्रश्न पूछ लेता है तो यह अयोध्या जो होता है यह दो देशों की नौसेना के बीच में होता है एक देश तो हमारा प्यारा भारत है दूसरा देश हमको जानना है कौन सा है तो दोनों देश जान लेते हैं तो सर एक है हमारा भारत देश और एक है साथियों थाईलैंड कौन सा है थाईलैंड है तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर था बात आपको अच्छे से याद रखना है ठीक है चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न क्रमांक उन्नीस गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड दो में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है तो सिलियन मर्फी को क्रिस्टोफर नोलन को मैथ्यू मैकफेडन को या फिर गुडविल गोरानसन को तो यह मिला है साथियों क्रिस्टोफर नोलन को किसे मिला है क्रिस्टोफर नोलन को मिला है गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चलिए भैया आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न दे रहा है क्वेश्चन नंबर बीस वो क्या कह रहा है कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट दो में मुख्य अतिथि कौन थे तो अभी वाइब्रेंट गुजरात समिट हुआ था गुजरात के गांधीनगर में कहा हुआ था तो ये वाइब्रेंट गुजरात जो समिट हुआ था ये गुजरात के गांधीनगर में हुआ था मित्रों और इसका मुख्य उद्देश्य है गुजरात में जो है इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना और ये जब से चल रहा है जब से गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उनके टाइम से ये चल रहा है और अभी जो है इसमें मुख्य अतिथि किसे बनाया गया था तो ये मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को बनाया गया था और कौन है मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान तो साथियों ये यू के राष्ट्रपति हैं कौन है ये यू के राष्ट्रपति हैं और यहीं पर अभी साथियों यू के अंदर ही अभी यू का पहला हिंदू मंदिर बना है अल वाकबा में तो अलवाकबा में जो है अभी पहला हिंदू मंदिर बनाया गया है क्या बनाया गया है पहला हिंदू मंदिर बनाया गया है कहां पर अल वाकबा में और यूएई का पहला ठीक है तो मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को बुलाया गया था तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है बहुत बढ़िया देखिए कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था और मैंने आपसे अनुरोध किया था कि कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर आपको देना है तो कल मैंने प्रश्न पूछा था राजपथ का नाम बदल के क्या कर दिया गया है तो राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है आज भी एक प्रश्न पूछूंगा क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स भर देना उसका उत्तर आपको सही देना है तो भैया प्रश्न ये है आज के प्रश्न का सही उत्तर किसने दिया देशराज भाई ने दिया पिंकी जी ने दिया चंद्रा जी ने दिया हेमा पटेल जी ने दिया पिंकी जी ने दिया चंदन भाई ने दिया पवन कुमार जी ने दिया सत्यम भाई ने दिया रेखा जी ने दिया संतोषी जी ने दिया ज्योति जी ने दिया गोलू गोलूकनौजी जी ने दिया राजू भाई ने दिया प्रशीता जी ने दिया रंजन भाई ने दिया यूजर भाई ने सुखदेव भाई ने टीना राठौर जी ने दिया सुशीला जी ने दिया साक्षी जी ने दिया इसके अलावा कौशल जी ने दिया पूजा जी ने दिया कौशल जी ने दिया दिव्या जी ने दिया नेहा जी ने और रंजन भाई ने तो इतने हमारे विद्यार्थी थे जिन्होंने कल के प्रश्न का सही उत्तर दिया था आज भी एक प्रश्न पूछूंगा आज का प्रश्न है पांच करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला राज्य कौन सा बना है तो देखिए ये अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है और क्लास खत्म होने के बाद राहुल सिंह जी आपका नाम रोज लूंगा मैं कोई दिक्कत नहीं है है ना तो आप कमेंट करेंगे अगर तो आपका नाम आ जाएगा निश्चिंत रहें तो भैया ये क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है आप लोगों को इस प्रश्न का ठीक है चलिए मिस्टी जी रिवेल भाई शारदा जी गंगा जी नेहा जी रुपाली जी जी मंजू विजय भाई रिवेल भाई हसीना जी राहुल सिंह जी अहमद भाई जिया जी काव्या जी आकांक्षा जी बहुत बढ़िया चलिए भैया बहुत अच्छे बहुत अच्छे तो चलिए साथियों अगर आप एमपीपीएससी प्री मेन्स या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है सत्याधि शर्मा क्लासेस बेहतरीन कंटेंट आप आप लोगों के लिए ले लेकर आया है तो आप इस क्लास से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं इसके अलावा इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी सत्याधि शर्मा क्लासेस लेके आया है एमपीपीएससी की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों इससे भी आप जुड़ सकते हैं ठीक है हां भैया ये आप लोगों के लिए यूट्यूब क्लास का शेड्यूल है सुबह सात बजे से शाम के आठ जो है सात बजे तक आप लोगों के लिए बेहतरीन क्लासेस चलती है दस से बारह घंटे आप लोगों के लिए बेहतरीन क्लासेस चलती है तो इस क्लास को आप देख सकते हैं और आपकी तैयारी को ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है ठीक है चलिए बहुत अच्छे तो चलिए जया जी बिल्कुल आपका नाम भी ले लिया जाएगा बेफिक्र रहें नाम की चिंता ना करें चलिए चलिएश भाई देशराज भाई टीना सिसोदिया जी शारदा जी रिवेल भाई रूपाली जी बहुत बढ़िया पिंकी जी चलिए मित्रों फिर वापिस हम मिलेंगे जय हिंद जय भारत चलिए बहुत बढ़िया अहमद भाई हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ गए हैं। क्या बात है आपका स्वागत है अहमद भाई बहुत बढ़िया प्रणाम करता हूं उत्तर प्रदेश की धरती को मैं चलिए राहुल सिंह जी रूपम जी बहुत अच्छे और क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर करिएगा मित्रों ठीक है चलिए तो साथियों मिलते हैं जय हिंद जय भारत राम राम धन्यवाद